पूरे देश में देख रहे हैं, दुनिया में लोग देख रहे हैं, तुम अपने को इसमें कुएं का आदमी बन रहे हो, पूरे समुद्र के आदमी बनो जी। तो भारद्वाज जी बताइए, आप बोलिए क्या बोलना है। पूछना चाहता हूँ इनसे, भाई से। किन भाई से? जो भाई है इनका नाम मैं नहीं जानता। हाँ, जनाबे आली। जनाबे आली जी, सर आप एक बार बताइए, बुलडोजर बाबा का गलत, अगर सारी चीज गलत कर रहा है तो आवाम ने उसे दोबारा क्यों चुना? गजब है भाई। हाँ जी, पूर्ण बहुमत से चुना, वो भी पूर्ण बहुमत से चुना। हाँ, पूर्ण बहुमत से चुना। सवाल ये है कि अगर गलत है तो फिर चुना क्यों, और चुना है तो आए हैं। तो गुजरात से आते हैं, कहते हैं कि रोजगार देना भी बहुत जरूरी है। नहीं, नहीं, जी नहीं, आप कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आपका क्या कहना है? मेरे कहना है योगी सही आदमी है, वो जो अवैध रूप से जो मिलकत रखी है सबको, हाँ। उसको बुलडोजर चलाए, हाँ। तो अच्छी बात है, हाँ। अब जो कि खरबों की मिलकत उसके पास है। जनाबे आली खड़े होइए। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विकास है वो जिन मुद्दों पर टिका हुआ जो है, जो मॉडल योगी जी ने दिया है, जो मॉडल योगी जी ने दिया है वो एक राजनीतिक मॉडल है। उसका देश की जनता से, उसकी रोजी रोटी से, भाईचारे से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, गुंडों पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। उसकी आड़ में अगर लोगों की रोटी छीनी जाएगी, रोजगार छीना जाएगा, तो वो गलत है। यासिर जी आ गए। वाह यासिर जी, आज आपने कुर्ता तो बड़ा क्रांतिकारी निकाला है, ये चुन के निकाला है आज आपने कि समाजवादी वाला कुर्ता है। लोगों ने तो कलर पे भी बात कर ली थी। देखिए, रंग की बात नहीं करते हम, तो संस्कृति पे चर्चा करते हैं। और आज जो उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखा गया है, ये इतिहास एक नए भारत के इस कालखंड का एक ऐसा इतिहास होगा जिसे सदियों लोग याद करेंगे कि उसी उत्तर प्रदेश में जहां कोई सोच नहीं सकता था, वहां पे वो नजारा 37 साल के बाद एक मुख्यमंत्री जो 5 साल से थे, और एक जो मिथ था कि नोएडा आएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, उनको भी तोड़ा उन्होंने। और आज जो सबका साथ, विकास और विश्वास और प्रयास की जो, हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होता, नो 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 नो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। क्या बात करते प्रतीक जी, देखिए ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है नए भारत में नए तरीके से सोचना शुरू करें। अगर ये नहीं सोचेंगे तो ये जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उस कौम को ये हाशिए पे लेके चले जाएंगे। देखिए ठीक है, इलेक्शन कमीशन पे दिक्कत है ना, यहीं पे खड़े हैं जनता जनार्दन, पूछ लो इनसे एक बार, योगी जी के लिए बता दो इनको, इनके कानून जी जी आ गया, आ गया। तोड़ा के मारा था जनता ने इनके मंत्री। गलत 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 खड़ो। देखिए हाशमी साहब देखिए, डराएंगे नहीं, भारत में मोदी जी किसी को डराते नहीं है, योगी जी डराते नहीं है। आप डर का माहौल बना रहे हैं, आप अपने कौम को आप डरा रहे हैं। देखिए ये लोग अपने कौम जनाब कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। अनुज अत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज जी, आज आप आए हैं और मुद्दा आपके सामने आ गया है, जनता अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे रही। मैं आ रहा हूँ जी। देखिए जरूर आऊंगा, बार बार नहीं जी। हाँ प्रतीक जी जी, पहले तो मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के। बहुत अच्छी बात, यही जनतंत्र की, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है। सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं कांग्रेस के, और बधाई दे रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा, फिर मुद्दे की बात कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। अब लेकिन आज बात चली है कि जो एक बुलडोजर मॉडल ऑफ यूपी गवर्नेंस अभी ये देखने में आया है और आज जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तो हम भी चाहते हैं बुलडोजर चले, लेकिन सेलेक्टिव होकर के ना चले। सबसे पहले लखीमपुर खीरी में चले, जिसने 4 किसानों को कुचला था उसके घर पर चलाए मुख्यमंत्री जी। हम समर्थन करेंगे, क्या किसानों को कुचलने वाले एक व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? क्या वो अपराधी है क्या नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय करे, उसके घर पर चले, तमाम अपराधियों क्या चले, हम भी समर्थन करेंगे, लेकिन पहल वहां से करें। जी जी आ रहा हूँ आपके, कूल डाउन जी। मेरे मित्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस के पार्टी की तरह, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अवेयर ही नहीं होती है कि चल कह रहे हैं भारत में, वहां पे बुलडोजर सब पे चल रहा है, बुलडोजर सब पे चल रहा है। जो अपराधी है बुलडोजर चलेगा। 2 दिन पहले पता करिए किस पे बुलडोजर चला, खीरी में चल गया बुलडोजर। भाजपा के नेता आज भ्रष्टाचार में आखंड डूबे पड़े हैं, हजारों करोड़ के घोटाले कर रहे हैं। आप लोगों पर जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन मानूंगा। हाँ जी,
जी जी हाँ जी अरे रुको पानी वानी पिलाएं पानी पिलाएं हाँ जी कहाँ से झारखंड से झारखंड से तो क्या हर खाएंगे झारखंड से तो रुकिए झारखंड कांग्रेस को जो बोले कांग्रेस यहाँ भी है क्या कांग्रेस है क्या कांग्रेस पार्टी है नहीं है कांग्रेस पार्टी नहीं है कांग्रेस कहाँ है कांग्रेस कहाँ है जहाँ योगी या मोदी है कांग्रेस है क्या मैं झारखंड से रांची से बोल रहा हूँ मेरा नाम है रामेश्वर यादव रामेश्वर यादव रामेश्वर यादव रामेश्वर यादव क्या बोल रहे हैं मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहे हैं जो योगी है और मोदी है यहाँ कांग्रेस नहीं है हाँ जी एक मिनट आराम आराम से खड़े रहो बहुत कूलली खड़े रहो आऊंगा बस सच सवर के आयो मुझे आऊंगा तुम्हारे पास जरूर सर एक बात बताइए जैसे इस गवर्नमेंट ने कोरोना को हैंडल किया लॉकडाउन को हैंडल किया और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गाजियाबाद से मतलब स्टार्ट होता है और मेरठ तक मेट्रो बना हुआ है ये कहाँ से आ रहा है अच्छी अच्छी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल गई है और इंडिया अभी तक भी खड़ा हुआ है पुरजोर तरीके से खड़ा हुआ है और वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड इंडिया के सामने नतमस्तक है क्या नाम है आपका ये बीजेपी है क्या नाम है आपका मेरा नाम भानु चौधरी है भानु चौधरी साहब आ रहा हूँ खड़े रहो मैं आऊंगा पूछूंगा जरूर तुमसे तुमसे ना पूछा इजराइल तो किससे पूछा इजराइल हाँ तुम बाराबंकी क्यों मैं लखनऊ का हूँ तो इजराइल भाई तुमसे ना पूछा तो फिर किसी से नहीं पूछा मैंने जी जनाब बोल रहे थे प्रतीक जी कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज जी बोल रहे थे मैं यही कहना चाहता हूं इनके लिए सबसे अच्छा है कि कांग्रेस के पास ना तो नीति रह गई है और ना तो राजनीति है नीति और नेता रहे नहीं राजनीति करने के लिए कुछ बचा नहीं है और उसके बाद आज देखें ना दो पे आप अटके हुए हैं दो सीट मात्र मिली है उसके बाद एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं इनके लिए सपा समाजवादी पार्टी उन्होंने पेंशन लागू किया था 67,000 लोग ऐसे थे जो जीवित नहीं थे उनको पेंशन दे रहे थे आज जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है उसी के प्रतिफल आप रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 37 साल का जो इतिहास सूखा पड़ा था उसको योगी आदित्यनाथ ने दोहराया इस तरह का जो ऐतिहासिक कदम उठाया है जिस तरह की रिजल्ट मिला परिणाम मिले वो इस बात को दर्शाता कि विकास का ही मुद्दा चलेगा वंशवाद शर्म आनी चाहिए किसे देश का प्रधानमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री अदब से बोलिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी अदब से बोलिए अगर राशन बांट रहे हैं तो ताना दे रहे हैं माओ से कह रहे हैं बहनों से कह रहे हैं कि तुम्हें नमक का कर्ज अदा करना पड़ेगा यासीर हजरत यासीर जिलानी जी जी देखिए भाजपा की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे भाजपा की परिभाषा है गरिमा में विकास तुष्टिकरण के बिना सशक्तिकरण ये भाजपा का मूल मंत्र है तुष्टिकरण में इन्होंने हमेशा से फंसा रखा था भारत को और भारत में विकास कैसे होता है जब आप तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा एक वर्ग को मान के वोट बैंक बनाएंगे तो आपका रिजल्ट ऐसी होगा दो आया 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 रुको झारखंड नाम क्या है आपका सर मोहित 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 क्या करते हैं आप प्राइवेट जॉब सर प्राइवेट जॉब करते हैं प्राइवेट कहाँ यहीं पे कुछ बोलना है आज कहाँ के रहने वाले हैं सर यूपी सर बागपत यूपी में कहाँ से सर बागपत अरे तुमसे तो जरूर पूछेंगे बागपत के हो तुम तुमसे ना पूछा तो बेकार है बागपत ही से तो खेल हो रहा था लेकिन पहले मैं इजराइल भाई से पूछा हूँ क्योंकि उधर इजराइल भाई कहाँ के हैं अरे हे बिहार से नहीं अच्छा बिहार से तो कहाँ बोलिए सर मैं यासिर जी से दो तीन सवाल पूछना दो तीन नहीं एक ही सवाल पूछो यासिर जी बुलडोजर कहाँ कहाँ चलेगा अयोध्या में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है 8 दिन पहले और वहाँ का विधायक उस बच्ची को जो बलात्कार करने वाला है सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और उस विधायक ने उसको बचाने की वो करी है 8 दिन हुए अभी 8 दिन अभी तक वो फरार है वो जो टेंट का हाउस का मालिक था विधायक जी बचा रहे वहाँ आपको उत्तर प्रदेश में बलात्कार दिखता है राजस्थान में बलात्कार होता है वो आपको राजस्थान में बलात्कार नहीं होता जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में नरसंहार हुआ है क्या उस पर आप बोलेंगे हिंदुओं का कत्लेआम हुआ उस पर आप बोलेंगे कोई कांग्रेस का यहाँ पे बोलने वाला नहीं है हिंदुओं का वहाँ पे जला